बड़का समाचार के बाद अब रहे खबर छत्तीसगढ़ की। कोरबा टिपका क्षेत्र के भाजपा नेता द्वारिका प्रसाद शर्मा ऊपर बिहाव के झांसा देके लगातार दैहिक शोषण करे के आरोप लगत है। द्वारिका प्रसाद उत्तर प्रदेश के रहैया आए। दीपका क्षेत्र में रहैया एक विधवा महिला के पति के मौत 2 बछर पहली पानी में बूड़े ले हो रही। महिला के अनुसार पति के मौत के बाद द्वारिका प्रसाद ओकर ले अपन नज़दीकी बढ़ाईस और बिहाव करे के भरोसा दिलात हुए लगातार दैहिक शोषण करीस। ए दौरान द्वारिका ओला अलग अलग जगह में भी ले गई। जब महिला बिहाव पर दबाव बनाईस तब द्वारिका ओकर अश्लील तस्वीर के माध्यम ले ओला ब्लैकमेल करना शुरू कर दीस। महिला हा आखिरकार थाना में एकर शिकायत दर्ज करा दिए है। द्वारिका शर्मा पहली ले ही विवाहित है। पुलिस मामला के जांच करत है। मेरे साथ मोर साथ में भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारिका शर्मा, जो बहुत पावरफुल और अपन आप लोग बहुत ताकतवर बताते हुए आज 5 साल से शारीरिक शोषण करा था। आज से बार बार रेप करना, बार बार मारपीट करना, धमकी देना और घर में आकर बंदूक दिखाना, इस तरह से भैया मेरे साथ कई बार उन्होंने हर जगह जा जाकर मेरे साथ बलपूर्वक शोषण किया। घर पे ही थी वो, इसीलिए पता नहीं कहाँ से देखा, तब से वो मेरे बेटिकरी बसावट में किराए के घर में थी, तब से वो मेरे पीछे लगा हुआ था सर। और बच्चे छोटे रहे थे और मैं अकेले रहे हूँ और मोर बच्चे मन छोटे रही ना हुए, और एक तो पति के तुरंत ख़त्म होने की वजह से मैं हताश रहे, और वो घर में घुस के मोले ज़बरदस्ती बार बार करे के कोशिश करे, इस एवज में मोले 3-4 जगह से किराए से निकालेगी। देखो शिकायत पहले का आपने करा भैया, वो मतलब बच्चा मतलब मर्डर कर दूँ, तोर मर्डर कर दूँ कह के धमकी देती रही से भैया, और ऐसे भी मैं अकेला रहे तो मैं पूरे डर के रह। जैसे कि जो बहनी है वह ये काफ़ी वर्षों से पीड़ित रही से वह, ये भाजपा के कोरबा जिला के दीपका ब्लॉक है और मंडल अध्यक्ष है द्वारिका प्रसाद शर्मा, एकर द्वारा लगातार इला शारीरिक शोषण करा थे वह और जान से मारे धमकी देते वह। ये रवैया उत्तर प्रदेश के है और ये कहा थे भाई कि मैं उत्तर प्रदेश से गुंडा ला के तुला मरवा दूँ, तय मोर कुछ नहीं कर सकस, और ते हाँ मैं जैसे बोला था वैसे करके करके लगातार धमकी देते। कुछ दिन के बाद हम मतलब कुछ दिन पहले हम पता चली से भाई कि ऐसे ऐसे घटना है करके, तब जाके हम संज्ञान ले हैं और आज हम आजाद थाना आए हैं। हम चाहते हैं एक ऊपर तत्काल FIR हो, अला तत्काल जेल भेजा जाए। शिकायत यह है कि एक महिला है, पीड़ित महिला दीपका का रहने वाली, अनावेदक या अनावेदक कहिए, द्वारिका शर्मा के खिलाफ 2015 से 18 तक दैहिक शोषण का मामला है, जिसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। ये जो आरोपी है मतलब जिसके खिलाफ आरोप लगा रही है, कौन है, कहाँ का रहने वाला है? द्वारिका शर्मा लिखा है दीपका का, सिरकी दीपका रोड लिखा है, और इसी संबंध में पाली थाना में फरमाइश नाली दे दिए हैं। कुछ लिखा है नेता कौन सा पार्टी, मंडल अध्यक्ष बीजेपी।